तो वक्फ बिल को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। यूपी, गुजरात, झारखंड के शहरों में गणेश पंडाल और मुस्लिम मोहल्लों और मस्जिदों के बाहर QR कोड स्कैन लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने जहां पर वक्फ बिल के सपोर्ट में QR कोड लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जो हैं, उनके जो तमाम लोग हैं मुस्लिम पक्ष के, उन्होंने बिल के खिलाफ QR कोड लगाए जो हैं, और QR स्कैन पर कर JPC को आपत्ति अपनी दर्ज करवा दी। वक्फ बिल की लड़ाई पूरी तरह से अब डिजिटलाइज हो चुकी है। तो मुस्लिम QR कोड वर्सेस हिंदू QR कोड हो चुकी है ये लड़ाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगह जगह। हमने ये भी आपको दिखाया था कि किस तरह मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाए गए थे, और जो मौलाना हैं वो लोगों से अपील कर रहे थे कि QR कोड को स्कैन करें, अपनी राय दें और विरोध दर्ज कराएं। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार ने JPC के पास ये बिल भेजा है, जिसमें वक्फ के अधिकारों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया है, और इसी को लेकर के अब QR कोड की लड़ाई चल रही है। वक्फ बिल को लेकर एक नया घमासान छिड़ चुका है। हिंदू पक्ष का QR कोड बना मुस्लिम पक्ष का QR कोड, किस तरीके से ये पूरी लड़ाई अब आगे बढ़ रही है। इस बीच जो QR स्कैनर है उसको JPC को आपत्ति भेजी गई है इस पूरे मामले के तहत, और वक्फ बिल की जो लड़ाई है अब डिजिटलाइज हो चुकी है, और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक तरफ हिंदू पक्ष के QR कोड हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वर्सेज हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना QR कोड का जो स्कैनर है वो लगा चुका है। सोशल मीडिया पर ये QR कोड काफी बड़ी संख्या में शेयर भी किए जा रहे हैं, और ऐसे में अब देखना है कि ये जो QR कोड्स हैं क्या इनका असर पड़ता है, मुस्लिम पक्ष का QR कोड वर्सेस हिंदू पक्ष का जो QR कोड हो रहा है, क्या JPC के ऊपर इसका असर पड़ता है। एक QR कोड मस्जिदों में लगाया गया, तो एक QR कोड गणपति पंडालों में लगा। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है। एक ऐलान मुस्लिम मोहल्लों में हुआ, कर दिया गया है, पास नहीं हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, तो एक ऐलान हिंदू आबादी वाले इलाकों में। एक ऐलान मौलानाओं ने किया, स्कैनर पर आप लोग स्कैन कीजिए, तो एक आह्वान हिंदू संगठनों ने। एम्बेंगमेंट एक्ट है 2024 का। वक्फ बिल के नाम पर मानो घमासान हो रहा है। एक तरफ इस बिल के खिलाफत करने के लिए मुस्लिम संगठन और सियासतदान लामबंद है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल के समर्थन में हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए हैं, और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक QR कोड वर्सेस QR कोड की जंग छिड़ गई है। हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक QR कोड शेयर करना शुरू कर दिया। सड़कों पर तो लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा था, साथ ही गणपति के पंडालों में भी इसे चस्पा कर दिया गया। तस्वीरें गोधरा की हैं, जहां VHP ने QR कोड वाला अभियान शुरू किया। अगली तस्वीर गुजरात के ही सूरत की, जहां वक्फ बिल का समर्थन करने वाले QR कोड को सूरत वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर ही लगा दिया गया। लेकिन इस QR कोड को स्कैन करने से क्या होगा, अब ये समझिए। दरअसल वक्फ बिल इस वक्त JPC के पास है, जिसने लोगों से इसे लेकर अपना फीडबैक मांगा है। Z News.